नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। 6 दशक का करियर और महज 63 फिल्में, इतना ही था दिलीप कुमार का फिल्मी सफर। लेकिन इतने में ही उन्होंने अभिनय को नया आयाम दिया। अभिनेता जिनकी मौन की भाषा थी, जितने असरदार दूसरे अभिनेताओं के डायलॉग थे, उससे ज़्यादा प्रभावशाली था दिलीप कुमार का ठहराव। वो डायलॉग कहते हुए खूब पॉज लेते थे, शांत हो जाते थे, और उनकी इन बारीकियों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। दिलीप कुमार काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। सेहत से जुड़ी परेशानियों के चलते उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 7 जुलाई 2021 की सुबह 7:30 बजे उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। कम ही लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार की अभिनय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने खुद कभी नहीं सोचा था कि वो फिल्मों में काम करेंगे, बल्कि उन्हें तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि दुनिया उनको किसी और नाम से याद करेगी। उनके पिता मुंबई में फलों के बड़े कारोबारी थे। वो कारोबार में अपने पिता की मदद करते थे। एक बार दिलीप कुमार के पिता ने उन्हें बुरी तरह डांट दिया और तभी उन्होंने घर से भागने का फैसला कर लिया। वो पुणे पहुँचे। अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ के चलते उन्हें ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। वहाँ उन्होंने सैंडविच का काउंटर खोला। दिलीप कुमार ने उस दौर में सैंडविच बेचकर 5,000 रुपये इकट्ठा किए थे। उस समय में इतने रुपयों की कीमत बहुत हुआ करती थी। धीरे धीरे वो अंग्रेज़ों के बीच काफ़ी मशहूर हो गए। लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चला। कैंटीन में एक आयोजन था भारत की आज़ादी की लड़ाई पर। दिलीप कुमार महज एक अभिनेता ही नहीं थे, उन्हें भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के ब्रांड एम्बेसडर की तरह से भी देखा जाता था। इस दावे से जुड़ी एक रोचक घटना है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने अपनी आत्मकथा नीदर अ हॉक नॉर अ डव में इस घटना का जिक्र किया है। एक दफ़ा पड़ोसी मुल्क पाक के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के ADC ने बताया कि भारत के PM अटल बिहारी वाजपेयी का फ़ोन आया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। फ़ोन पर बातचीत शुरू होते ही वाजपेयी ने शरीफ से कहा, एक तरफ आपने लाहौर में हमारा पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, दूसरी तरफ कारगिल में आपकी फ़ौज हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रही है। इस बात पर शरीफ ने जवाब दिया, मुझे आपकी बात का कोई इल्म नहीं है, मुझे मामले को समझने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ से बात करके आपको फोन करता हूँ। इस बातचीत के अंत में अटल जी ने शरीफ से कहा, मैं चाहता हूँ कि आप उस शख्स से बात करें जो मेरे बगल में बैठा है और मेरी और आपकी बात सुन रहा है। फोन पर सुनाई देने वाली अगली आवाज सुनकर नवाज शरीफ हैरान रह गए। ये आवाज उस अभिनेता की थी जो दोनों मुल्कों की पीढ़ियों का चहेता था। दिलीप कुमार ने शरीफ से कहा, मियां साहब, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जब दोनों देशों के बीच तनाव के हालात होते हैं, तब भारत के मुसलमानों की स्थिति बेहद संजीदा हो जाती है। घर से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा करिए जिससे हालात नियंत्रित हो जाएं। मज़े की बात तो ये है कि उन्होंने अपने करियर में सिर्फ एक मुस्लिम किरदार निभाया। वो इकलौती फिल्म थी मुगले आज़म। उनके अभिनय की रेंज भी काफ़ी व्यापक थी। पहले तो उन्होंने गंगा जमुना में एक अनपढ़ व्यक्ति का किरदार बेहद प्रभावशाली तरीके से निभाया। इसके बाद मुगले आज़म में उन्होंने शहजादे के किरदार को खूबसूरती के साथ पेश किया। बहुत से लोगों का मानना था कि एक रोमांटिक हीरो पर यूसुफ खान जैसा नाम सही नहीं लगेगा। फिर शुरू हुई उनके लिए नया नाम तलाशने की। तब उस दौरान बॉम्बे टॉकीज में काम करने वाले हिंदी के मशहूर कवि नरेंद्र शर्मा ने 3 नामों का सुझाव दिया, जहांगीर, वासुदेव और दिलीप कुमार। उन्होंने अपने लिए दिलीप कुमार का नाम चुना। इस नामकरण के पीछे एक और वजह थी। उनके पिता पुराने ख्यालों के थे, वो फिल्मों को बहुत अच्छा नहीं मानते थे। उन्हें दिलीप कुमार के असल पेशे का पता नहीं था, सब उन्हें नौटंकी वाला कहते थे। दिलीप कुमार की जिंदगी के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि हर कोने में किस्से भरे पड़े हैं। फिल्मी दुनिया का वो नाम जिसने अपने अंदाज से नई परिभाषाएं तैयार की, परिभाषाएं जो सदियों पढ़ी जाने वाली हैं। ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।